अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं मावा यानी के खोया। उसको बनाने के लिए आप देखेंगे, सबसे पहले हमने एक ये फैला हुआ सा और बड़ा सा बर्तन लिया है, भारी तली का बर्तन ले लेना है आपको, उसमें आपका मावा बढ़िया बनेगा। हम आपको दिखाने के लिए बना रहे हैं सिर्फ, तो हम एक लीटर दूध ले लेते हैं, फुल क्रीम दूध ले लें, बढ़िया से बढ़िया दूध लें तो आपका मावा ज़्यादा भी बनेगा और अच्छा भी बनेगा। जहाँ पर खोया या मावा नहीं मिलता है उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है कि अपने घर में ही बना लें, लेकिन उसके अलावा भी आजकल नकली नकली मिलने लगे हैं खोए या मावा, तो उसके लिए बहुत आसान है। फेस्टिवल के टाइम तो आप देखते ही हैं कि कितने नकली मावे पकड़े जाते हैं, तो कितना अच्छा होता है कि आप अपने घर में ही इसको फटाफट से तैयार कर लें। तो ये एक लीटर दूध है, हम इसको पकने के लिए रखते हैं, फुल फ्लेम पर रखते हैं हम इसको, और जब उबाल आएगा तो फिर आपको दिखाते हैं कि मीडियम करना है। और फिर ये देखें 10 मिनट हो गए हैं इसको फुल फ्लेम पर पकते हुए। जब ये ऊपर आता है तो ये जो मलाई है इसका यहाँ एक आध किरचा जम जाता है, उसको यूं करके इसी में मिक्स कर देना है। यहाँ जो मलाई आ जाएगी उसको आप छोड़ देंगे तो वो यहीं पर सख्त होकर जम जाएगी, जो कि सही नहीं रहेगा। तो बस फुल फ्लेम पर ही इसको पकने देते हैं। अभी इसको सिर्फ 10 मिनट हुए हैं, अभी भी फुल फ्लेम पर ही पकाना है। इस तरीके के बड़े बड़े उबाल आना बहुत ज़रूरी है। छोटा बर्तन लेंगे तो उबल उबल के दूध बार बार बाहर आएगा, जो आपको चलाना पड़ेगा। बड़ा इस तरीके का भगोना या पतीला ले लेंगे तो बड़ी आसानी से आप फिर आराम से कुछ और भी काम कर सकते। देखें फुल फ्लेम पर इसको 20 मिनट हो गए हैं पकते हुए। इस तरीके से ऊपर आ जाए तो पहले किनारे से यूं कर देना है, क्योंकि किनारों पे इतना सभी नहीं जमना चाहिए आपका ये, और किनारों पे अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से जम भी जाए तो उसको हैंड टू हैंड ही इस चमचे से यूं इसमें मिक्स कर दीजिए, जैसा कि ये लिया, ये जो जम गया है इसको आप छोड़े नहीं, वरना ये ठीक हो जाएगा, जो कि सही तरीका नहीं है। फौरन इसको यूं लाइए और इसी के साथ इसे मिक्स कीजिए। फुल फ्लेम पर ही अभी पकने देते हैं। इसको बनाने के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए। उसमें क्या करना है आपको, बीच में एक अदरक वाली चाय बनाएं बढ़िया सी और पीते रहें, और इस पर भी नज़र रखें। अभी तो इसको बहुत ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा चलाने की ज़रूरत होगी, जब लगेगा थोड़ा टाइम, लेकिन हाँ नज़र ज़रूर रखें इस पर। ये देखें 1/3 रह गया है अभी ये। इस वक्त आप इसमें ज़्यादा ऊंचे उबाल नहीं आने देंगे, वरना ये पूरा आपके बर्तन पर चिपक जाएगा। बस अब इसके पास खड़े रहना है, बस किनारों पे से यूं करके इसको बीच में कर देना है। बहुत बड़े बड़े उबाल आएंगे इसमें ऊपर तक, तो मलाई मोटी जमेगी, उसके अंदर बड़े बड़े किरचे दिखेंगे आपके खोए के अंदर, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। और इस वक्त आप इसमें मलाई नहीं जमने देंगे ऊपर तक, और यूं चलाते रहेंगे तो आपका एकदम से महीन और चिकना खोया बनेगा। ये देखें अभी ये सिर्फ 1/3 है, इसको 30 से 35 मिनट हो गए हैं, फुल फ्लेम है अभी भी हमारा फुल फ्लेम है। जब से हमने चढ़ाया है अभी तक ये फुल फ्लेम है, लेकिन इस वक्त हम इसका कर देते हैं मीडियम फ्लेम। नीचे से चलाना बहुत ज़रूरी है, तो हम मीडियम फ्लेम कर देते हैं। हमने अपने फ्लेम को मीडियम कर दिया है, बस अब ये तली तली में ही पकने वाला है, और अब इसमें ज़्यादा देर नहीं है। जो ये एकदम से थोड़ा सा ठीक होते ही हम इसको फौरन से बंद कर देंगे। ये देखें मीडियम फ्लेम है अभी भी हमारा, और जैसा हमें चाहिए था ये बिल्कुल वैसा तैयार है। अभी इसकी कंसिस्टेंसी आप देखेंगे तो ज़रा सी लिक्विडी लगेगी, लेकिन जैसे ही ये एकदम उबल के ऊपर आने लगा है, इस तरीके से फूलने लगा है, खुद ही इसने ये हमारा भिगोना छोड़ दिया है। तो जैसे ही ठंडा होगा, जैसा हमें चाहिए, एकदम से ठीक हो जाएगा। आप इसको कोई शेप देना चाहते हैं तो थोड़ा सा हिला के गरम ही गरम उसके अंदर डाल दीजिए, तो ये जिस शेप में भी आप चाहते हैं उसमें आ जाएगा। तो ये बिल्कुल तैयार है, बस ये देखें ये बिल्कुल तैयार है। इस वक्त जो एकदम नीचे लग रहा है उसका आप देखेंगे कलर सा बदल जाता है। तो बस अब हम इसे बंद कर देते हैं फौरन, और इसको हम चला कर ही ठंडा करेंगे। ये हम अपने फ्लेम को हमने कर दिया ऑफ, और इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, जैसे ही हल्का सा ठंडा होगा ये एकदम डो फॉर्म में आ जाएगा। देखें जैसे ही हमने इसको अपने फ्लेम से हटाया है, अभी ये थिक होने लगा है, जबकि ये अभी बहुत बहुत ज़्यादा गर्म है। हम क्या करते हैं, इसको बहुत तेज़ गर्म को ही इसके अंदर डाल देते हैं, क्योंकि हम इसको एक बाज़ार वाला अच्छा सा शेप देने वाले हैं, तो ये हमें गर्म गर्म ही डालना होगा, वरना ये एकदम से थिक हो जाएगा। तो ये हम पूरा ही पोंछ के डाल देते हैं इसमें। कितना बेहतरीन कलर आया है इसका, ये देखें आप,
एकदम प्योर और असली। ये देखें, हमने इसको सेट होने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन फिर हमने इसे पूरी रात के लिए ही छोड़ दिया। इस वक्त आप देख सकते हैं इसको कितना अच्छा से इसका कलर आया है और ये सेट भी हो गया है। हमने छुरी से इसके किनारे हटा दिए हैं। अब हम देखते हैं इसको पलट कर, हल्का हल्का हमने ऊपर से टैप किया था तब ये इतनी आसानी से निकल पाया है। सिर्फ हमने ये इसलिए करा है ताकि थोड़ा सा ये थिक सा हो जाए, जैसे बाजार का होता है बिल्कुल दानेदार, मैंने कहा वही दिखाते हैं हम। ये सिर्फ उस ट्रिक से होएगा ऐसा, जब आप इसको 1/3 जो आपका दूध रह जाए उसके बाद आपको उसे मुसलसल चलाना है, उसमें बड़ा सा उबाल नहीं आने देना है। बड़ी सी मलाई आ जाएगी तो वो मलाई के किरचे आएंगे जो कि अच्छे नहीं दिखेंगे। तो इसको हम कट कर लेते हैं, या फिर वैसे भी आपको मालूम ही है कि इसको कट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये इतना अच्छा सा दिख रहा है। और हम इससे आगे कई डिशेस बनाने वाले हैं। बहुत अच्छा बना है, बहुत बढ़िया बना है, और इतनी जल्दी से और इस तरीके से। ये मार्केट जैसा कैसे कह सकते हैं, मार्केट में तो इतनी ज़्यादा मिलावटें आती हैं, तो इसलिए मार्केट से बढ़िया खोया, वो भी अपने हाथ से, वो भी इस तरीके का दानेदार बिल्कुल दरदरा खोया, ये आप देख सकते हैं। तो ये हमारे तरीके से बना है। दो चार चीज़ों का ध्यान रखना है और बस इस तरीके से ये दानेदार खोया बना है। इससे आगे हम आपको फटाफट से मीठी गुंजिया, खोए वाली गुंजिया बताने वाले हैं, और भी जो डिशेस बनाएंगे आप इस तरीके से खोया बना के रखिए। ये मैंने इसका वेट तो नहीं किया है, लेकिन ये 1 लीटर में से हमारा 200 से 250 ग्राम या 250 ग्राम से थोड़ा कम हो सकता है, इतना मावा या खोया हमारा तैयार हो गया है। सबसे बड़ी बात तो इसकी फ्रेश और प्योर है ये, तो ज़रूर बनाएं, हमारे तरीके से बनाएं, हमसे जुड़ें। हमारा जो दूसरा चैनल है समीनास किचन टिप्स, उस पर ज़रूर जाएं और उसको फ़ौरन से सब्सक्राइब करें, वो भी आपका ही चैनल है। अल्लाह हाफ़िज़।